एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी सी आई एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ अपने ही चैनल पर। मेरा नाम है चेतन चौधरी और देखिए, आप लोगों के लिए अभी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ साइंस 2 के, क्लास 10th वालों के लिए। तो साइंस 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सभी स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर जल्दी से। कल के क्वेश्चन हो गए आप लोगों के कंप्लीट। अब कुछ नए क्वेश्चन एमसीक्यू सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए आज का ये लाइव लेक्चर और बाकी स्टूडेंट्स को भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, लाइव ज्वाइन कर लीजिए। ये IMP कर लो एडिक्शन। देखो, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन या स्मोकिंग, यस, तो ये एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करना है यहाँ पे आप लोगों को दिया है। एडोलेसेंट्स ऑलवेज प्रेफर द कंपनी ऑफ द फ्रेंड्स एंड फॉलो देयर गुड और बैड हैबिट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एडवाइस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। बहुत बार पेरेंट्स और टीचर जो है मना कर देते हैं अल्कोहल जैसे कंजम्पशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, इस तरीके की बैड हैबिट जो होती है वो बच्चों को दूर रखने के लिए हरदम ट्राई करते हैं ये बैड हैबिट से। बट क्या होता है, जो एडल्सेंट होते हैं, मतलब कि 15-14 साल के जो बच्चे होते हैं, 14-15 साल के, आजकल तो जल्दी हो रहा है 13-12 ईयर्स के भी बच्चे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और जो टीचर्स होते हैं उनको हरदम समझाते हैं, बट क्या होता है बहुत बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं और इस वजह से क्या होते हैं, इनको एडिक्शन लग जाती है ये चीज़ों की। तो एडिक्शन में देखो, चिल्ड्रन इन दियर अर्ली एज ट्राई अपॉन टोबैको, सिगरेट पीते हैं ना भाई सिगरेट, आप लोगों में से पता नहीं कौन करता है, गुटखा, यस, विमल पान मसाला, जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, तो ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स, आजकल ये बड़े बड़े सिटी में तो चल रहा है, छोटे छोटे गाँव में भी चल रहा है। तो इस तरीके की एडिक्शन कौन से स्टेज में होती है, एडल्ट, मतलब 14 ईयर्स से लेके 17 ईयर्स के बच्चे, ठीक है? तो ये जो एज होती है ना, इसमें ज़्यादा तक के बच्चों को समझ नहीं होती है और वो गलत आदतें मतलब खुद को लगा लेते हैं और उस पर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रहता, उनको पता ही नहीं होता ये हमारे हम कुछ गलत कर रहे हैं। सबको लगता है नहीं नहीं भाई सही है, ये सब चीज़ें टेंशन मिटाने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। यस, चलो आगे देखते हैं। और क्या बोला है यहाँ पे, ड्यू टू आइदर पीयर ग्रुप प्रेशर और सिंबल ऑफ द हाई स्टैंडर्ड लिविंग और एज एन इमिटेशन ऑफ द एल्डर्स, ठीक है? बराबर है भाई, मतलब जैसे बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े घर के लोग कर रहे हैं, वैसे ही ये जो नॉर्मल फैमिलीज के लोग होते हैं वैसे ही जो एडिक्शंस है वो रखते हैं। फिर हाउ एवर इट मे लीड टू द एडिक्शन सच डेडली सब्सटेंसेस टेम्पररी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन हैव सम केमिकल्स मे परमानेंटली डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखो यार, इसका इफेक्ट देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे ही डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, मसल सिस्टम पे भी, हार्ट पे भी हो रहा है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, ड्रग्स हो गया, उसके बाद बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो है स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स हो गया, ड्रग्स वगैरह, तो इसके वजह से जो है ना उनके नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है ना बराबर से काम नहीं करता है। जैसे नॉर्मल लोगों का दिमाग काम करता है, वो सोच सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं का लोनलीनेस फील होगा फिर, और ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, ऐसा एंजाइटी इशू होता है, क्योंकि वो ये ड्रग्स एडिक्शन की वजह से होता है। चलो आया समझ में इतना, अब आगे देखते हैं। इसके बाद टोबैको की वजह से आपको पता है माउथ का कैंसर होता है। क्रोनिक डिसीजेस समझ लो, क्रोनिक डिसीजेस लाइक एड्स, TB, लेप्रसी एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड ओल्ड पर्सन लीड्स टू द इंक्रीज ओल्ड एजेस होम, दिस मे कॉज हार्म टू द सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ जो है ना, ये यहाँ पे मेन इसका रोल बताया है कि बहुत बार ऐसे होता है कि ओल्ड पर्सन लीड्स टू द इंक्रीज ओल्ड एज होम्स,
वृद्धाश्रम पता है ना आप लोगों को ये कंसेप्ट, तो बहुत सारे जो एज हुए पेरेंट्स लोगों को जो उनके लड़के हैं वो भेज देते हैं ओल्ड एज होम में, तो इसके वजह से एक छोटे बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो भी वैसे ही सोचेंगे कि चलो हम अपने पेरेंट्स को भी वैसे ही सेंड कर वहाँ पे भेज देंगे, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी फिर उसी डायरेक्शन में चली जाएंगी। यस अभी आगे देखते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे 25 क्वेश्चंस चाहिए थे तो मिल जाएंगे। देखो अभी आ गए के सभी बच्चे, सेल्फी ऑन रोड, ये देखो सेल्फी वाला क्वेश्चन, अच्छी बात है कि सेल्फी ऑन रोड नहीं भाई, ठीक है तो उड़ा देंगे वो यहाँ से, तो ये गलत चीज़ है यहाँ पे बोली गई है, मतलब बताई गई है। आ जाओ अपने टॉपिक पे, चलो अभी देखो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस टू IMP क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन। पहले तो MCQ की बात करेंगे हम, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, बोर्ड पे आ रहा है, बोर्ड पे पॉसिबल नहीं ना यार, बोर्ड पे प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं हो सकते ना, यहाँ पे ही करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून JP राम यादव, हाय सर IMP, हाँ IMP बता रहा हूँ मैं अभी, ऑल बॉस हाय सर, हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाँ मैं लेट हो गया, मैं कुछ काम से बाहर गया था जिस वजह से थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से। अशोक हाय, ठीक है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चले आते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ, वेट करो। थोड़ा वेट करो 1 मिनट। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चलो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पहले MCQ लिखो, MCQ फर्स्ट MCQ इम्पोर्टेंट, फर्स्ट MCQ आप लोग आप लिखो, जो जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को अभी अच्छे से लिखना पड़ेगा। लिखो पहला MCQ जो है वो है सोमैटिक, सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स अंडरगो, अंडरगो फिल इन द ब्लैंक्स, टाइप ऑफ डिवीजन, टाइप ऑफ डिवीजन, ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी बडिंग, ऑप्शन डी क्लोनिंग, क्लोनिंग। तो ये पहला MCQ इम्पोर्टेंट, सेकेंड MCQ दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ क्रोमोजम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजम्स, क्रोमोजोम्स, गेट्स फिल इन द ब्लैंक्स इन मियोसिस, ऑप्शन ए मल्टीप्लाइड, ऑप्शन बी ट्रिपल, ऑप्शन सी हाफ हाल, ऑप्शन डी डबल। ठीक है आप लोग आंसर भी देख सकते हो पहले इसका, ठीक है साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए, ये डबल लिखा है मैंने, ठीक है। नंबर थ्री MCQ नंबर थ्री, ये गेसिंग है पूरा। इसके बाद फिश इज ब्लडेड एनिमल, फिल इन द ब्लैंक्स ब्लडेड एनिमल्स, ऑप्शन ए मिक्स, ऑप्शन बी कोल्ड,
ऑप्शन सी वॉर्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस कौन सा करेक्ट है आप लोगों को बताना है, ठीक है? मतलब लिख लो आप लोग, फिर घर पे सॉल्व करो इसको अच्छे से। हो गया इतना, अब नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू लिखो, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड प्रोसेस। पहला जो है ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी इज लास्ट वाला ट्रांसडक्शन। तो ये अपने हो गए टोटल 4 एमसीक्यू। यस, चलो ये लिख लो आप लोग, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नंबर 5 एमसीक्यू। सेल प्लेट फॉर्मेशन ऑकर्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए कैरियोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स ऑप्शन सी कैरियोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स और लास्ट ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। नंबर 6 लिख लो आप लोग जल्दी जल्दी। नंबर 6 पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म बाय, फिल इन द ब्लैंक्स, डिवीजन इन लोक्यूल्स ऑफ एंथर्स ऑप्शन ए माइटोटिक, ऑप्शन बी बाइनरी फिशन ऑप्शन सी मियोटिक एंड ऑप्शन डी इज एमिटोटिक। ठीक है, तो ये हो गए 6 एमसीक्यू। उसके बाद नेक्स्ट 7 द डिसीज रिलेटेड रिलेटेड
with the synthesis of insulin is इंसुलिन से रिलेटेड वाला डिसीज. ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन बी डायरिया और उसके बाद जॉन्डिस ऑप्शन डी डायबिटीज. तो कौन सा है इसका, सबको ही पता है. हो गया इतना. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब इसमें कितने इम्पोर्टेंट दिए थे मैंने, ये जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे. अभी मैं खुद बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. जैसे एक्टिविटी बेस मैंने कल बता दिया था क्या क्या पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो हो गया था अपना. चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखो गोल्डन राइस का जो कंसेप्ट है और बीटी ब्रिंजल दोनों भी कर लो. गोल्डन राइस का कंसेप्ट और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ना वो. यस यहाँ पे देखो ये किडनी का है, ये बोन, ये स्किन, ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड, हार्ट, पैनक्रियाज, आइज, लंग्स और ये लीवर होता है. ठीक है, ऑर्गन्स ध्यान में रखो, ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड. और बायोटेक्नोलॉजी ये टर्म, ठीक है, वो टर्म आपको पढ़ लेना है. कहाँ गए अपना, यहाँ पे. हाँ चलो हो गया इतना. 7 MCQ डन. नंबर 8, MCQ नंबर 8, MCQ 8 लिखो आप. जितने MCQ बता रहा हूँ वो अच्छे से करना ही है आप लोगों को. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक स्टार्टिंग में और इज एन इसेंशियल वर्ड, कौन सा है. ऑप्शन ए कैलिक्स, ऑप्शन बी कोरोला, ऑप्शन सी पेटल्स और ऑप्शन डी एंड्रोशियम. कौन सा करेक्ट रहेगा वो आप लोगों को बताना पड़ेगा इसमें. ठीक है, 8 हो गया. अब 9 नंबर का MCQ लिखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज, सॉरी इज द फर्स्ट फेज, phase of karyokinesis, कौन सी फेज फर्स्ट है. ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज एंड ऑप्शन डी प्रोफेज. यस हो गया इतना. चलो आगे बढ़ता हूँ. नेक्स्ट नंबर 10. 10 नंबर में है लिखो यहाँ पे. एक मिनट, ये पहले फिर इन द ब्लैंक्स दे दिया मैंने, यहाँ पे नहीं चाहिए था.
वेट करो, इसको कट कर देता हूँ मैं। फिनेल केटोनोरिया इज अ जेनेटिक चेंज इन फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे सेल दिया गया है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लंग्स। ठीक है, इसमें से आप लोगों को करेक्ट लिखना पड़ेगा। नंबर 11, इतना लिख लो। अब नंबर 11 करना अभी हमें। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी, एक मिनट थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लैमार्किज्म, ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी स्पेशिएशन, एंड ऑप्शन डी इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। कोई भी करेक्ट वाला आंसर जो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होता है। ये हो गया 11। अभी 12 नंबर का एमसीक्यू, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस इज एन इम्प्रूव, इज एन इम्प्रूव वैरायटी, वैरायटी ऑफ राइस, ऑफ राइस डेवलप, डेवलप फॉर इंक्रीज, इंक्रीज फिल इन द ब्लैंक्स कंटेंट। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी विटामिन ए, विटामिन ए। तो ये इतने एमसीक्यू बता दिए मैंने आप लोगों को। आई होप सभी को एमसीक्यू समझ में आए होंगे। चलो आगे बढ़ते अभी हम नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी इसमें के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल देता हूँ। स्टेम सेल्स एंड ऑर्गन्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये कर लो। यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स, आईएमपी कर लो, यूजेस ऑफ स्टेम सेल, आईएमपी क्वेश्चन। ये एक्टिविटीज, साइंटिफिक रीजंस कौन से करने हैं वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। देखो ये एंजाइम्स ऑब्टेंड बाय माइक्रोबायल प्रोसेस आर मिक्स विद डिटर्जेंट, ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर लो। पूरे जो टेक्स्ट बुक के एक्टिविटीज करना जरूरी है, ठीक है? तो एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज को आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है? ऑल एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टेंट।
तो एक्टिविटी करके रख दो आप लोग। हो गया, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं अभी। नेक्स्ट, कोरिलेशंस एंड वन मार्क क्वेश्चंस, फाइंड ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन और एक कंप्लीट द चार्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1B, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, पहले हाइड्रा, हाइड्रा कॉमा नेरिस, नेरिस क्रैब एंड सी आर्चिन, सेकंड सेकंड ऑड मैन आउट। देखो पहले ऑड मैन आउट आप लोगों का आना ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो रहेगा उस टाइप का, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। जो मेन मेन है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप लोग कर लेना। कॉफर्स ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड बोलते हैं इसको, कूपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल। देखो बाकी सब तो ग्लैंड है, ये वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल। ऑड वन आउट आप लोगों को करना है, यहाँ से जो अलग है उसको हटाना है। नेक्स्ट नंबर 3, सी एनीमोन, उसके बाद सी अर्चिन, नेक्स्ट ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, और उसके बाद सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर। नेक्स्ट लिखो सोलर एरे, सोलर एरे, इन्वर्टर, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर और एब्सॉर्बर। हो गए, ये हो गया 1B, इसमें का कोई एक आ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हम, 1B का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट लिखो नेम द, नेम द हार्मोन्स, नेम द हार्मोन्स, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय ओरी, ओरी ऑफ फीमेल, ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स लिखना है आप लोगों को यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स। सेकंड इसके लिए स्टेटमेंट लिख लो, चेंजेस इन जीन, चेंजेस इन जीन्स ऑफ द सेल्स, ऑफ द सेल्स
आर ब्रॉट अबाउट नॉन जेनेटिक टेक्निक। नंबर थ्री, कंप्लीट डायनोलॉजी, कोरिलेशन वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनोलॉजी। पहले है टीसीए साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया किसका रोल आता है वहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया का। और इधर ग्लाइकोलिसिस, तो ये आपको इसके जगह पे लिखना है, ठीक है, कंप्लीट द एनोलॉजी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूरा करो ये, हाँ ठीक है, क्योंकि इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना कौन सा करना है क्या नहीं, तो वो यही है, फिर से ट्रू और फॉल्स वाला डालो यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए। सही या गलत आप लोगों को बताना है। नंबर फाइव, नेम द कॉमन स्टेप, नेम द कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नंबर सिक्स, देखो मैच द कॉलम के लिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, एक लिख लो मैच द कॉलम्स। इधर कॉलम वन में दिया है, एक मिनट, यूटेरस कॉलम वन और ये करेंगे कॉलम टू। पहले इसमें दिया है यूटेरस, दूसरे इसमें है पेनिस, और इधर पहला है, फर्स्ट है प्रोड्यूस पम्प्स, नेक्स्ट पेनिस का जो नीचे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नेक्स्ट थोड़ा नीचे ले लेते हो, और यहाँ पे आपको पेयर मैच करके लिखना है, ठीक है, ये दो हो गया, ये तीन, डिलीवर स्पर्म और लास्ट है फोर्थ, कैन अकोमोडेट अ फीटस। यूटेरस और पेनिस का जो है क्या काम है यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। कितने मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट ये हो गया। अब नंबर सेवन,
नंबर 7 डालो आप लोग, सब 1 मार्क वाले है ये। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, नेक्स्ट भी ऐसे ही कॉलम निकालो 8 के लिए, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके का आता है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, पहले कॉलम में क्या दिया है यहाँ पे, ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 और ये कॉलम 2। अब देखो यहाँ पे है पहले वाइट रिवॉल्यूशन, कौन सा रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन। इधर फर्स्ट दिया है फिशरी, फिशरीज। सेकंड दिया है डेयरी, डेयरी। और थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मतलब थर्ड दिया है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड लिखना आपको फील्ड। और इधर ये फर्स्ट हो गया, इधर सेकंड हो गया ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या है यहाँ पे ब्लू, ब्लू रिवॉल्यूशन पता है आप लोगों को, रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन डेयरी से आएगा रिलेटेड, और फिशरीज से आएगा ब्लू रिवॉल्यूशन, फिशरीज से, सॉरी फिशरीज से, फिशरीज। बराबर है, आया समझ में इतना। चार्ट रिवेन्यू 44 किसने दिया, एक मिनट मैंने चेक ही नहीं किया चार्ट, वेट करो। चार्ट सुपर चार्ट किसने दिया, कहाँ दिखेंगे सुपर चार्ट, सुपर चार्ट। देख रहा हूँ मैं सुपर चार्ट, नाम लेना पड़ेगा, शॉर्ट आउट देना पड़ेगा किसने किया। अरे यहाँ पे दिख नहीं रहा, वेट मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। सर आप कितना कमाते हो, मी दिला जे, अच्छा जेपी, ओके ठीक है। सुपर चैट जिसने दिया है थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखिए, जो क्वेश्चन दिए आप लोग कर रहे हो ना अच्छे से। थैंक यू फॉर सपोर्ट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भैया सेम आएगा, सेम आएगा, जो जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना मैं सब आईएमपी क्वेश्चंस है, सेम आएगा क्वेश्चन, जैसे अपने पहले आए थे सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चंस आएंगे। समीर खान साहब हम उर्दू मीडियम के, तो उर्दू मीडियम के तो भी यार क्वेश्चन कैसे मैं यहाँ पे उर्दू मीडियम के बता सकता हूँ, वो तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा ना। तो आप गेमर बुरा साहब कितना कमा लेते हो, अरे इसमें से कमाई नहीं होती है यूट्यूब से ज़्यादा, लेकिन हाँ जब ज़्यादा व्यूज़ अगर आए तब रहता है सर आपकी फिक्स आएंगे के। ओके आप कैसा रहता है मेरा तो ऑफलाइन कोचिंग है ना, तो वहाँ से मैं कमा लेता हूँ ऑफलाइन कोचिंग से। इधर तो सिर्फ हमारा ये एक मकसद है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है आप लोगों को, यहाँ से ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है यूट्यूब से। और अपना ऐप अभी कोई लॉन्च नहीं किया मैंने, जब करूँगा तब बताऊँगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या मेरा वीडियो पे दिख रहा हो? वीडियो पे दिख रहा हो क्या? मैं क्लियर है वीडियो? हाँ, आई एम फी फिक्स आती है, जो मैंने बोला है ना अब तक के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? तो पहले बता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने मैथ्स वन की आई एम पी दी थी वही आई थी, मैथ्स टू की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आए थे पहले दिन लिए थे, साइंस वन के भी आए, तो अभी तो फिर साइंस टू की भी आनी चाहिए, राइट? वो भी आएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ तो लो यार, और लाइक्स तो कर दो वीडियो को, लाइक तो 200 के ऊपर पहुंचा दो, जितने स्टूडेंट दिख रहे हैं उससे ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए। लाइक कर दो वीडियो को, बहुत कम लाइक दिख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करो भाई, पैसा नहीं लगता लाइक करने का। चलो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दो। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना है कि नहीं देना है? करना है ना कंप्लीट? चलो फिर लाइक दे दो जल्दी जल्दी, फटाफट 100+ लाइक्स हो जाने चाहिए अभी तक के। 100+ लाइक ठोक दो। चलो आगे बढ़ते हैं, 100+ कर दिए, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट। हो गया इतना? वेट वेट वेट, कमेंट सबके रीड किए मैंने, हाँ किया, लाइक किया, थैंक यू सेनापति। चलो हो गया इतना। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। कंप्लीट द एनालॉजी, कंप्लीट द एनालॉजी, एनालॉजी। पेरिपेटस, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, उसके बाद विजडम टूथ, विजडम टूथ। तो ये कोरिलेशन आपको कंप्लीट करना है एनालॉजी। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखो, ट्रू और फॉल्स। पहचान ने आप लोगों को करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जेंडर ऑफ, जेंडर ऑफ डाई जायगोटिक, जायगोटिक ट्विंस इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है? तो इसका ट्रू और फॉल्स आप लोग बता सकते हो, सही है कि गलत है। फिक्स आएगा क्या? यस फिक्स आएगा बिल्कुल। दस हो गए, अब 11, नंबर 11 लिखो, नंबर 11। वन मार्क्स वाले चालू है ये अभी हमारे सब कुछ। फिर से एक एनालॉजी, मतलब कि कोरिलेशन, आरएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस, और यहाँ पे है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। चलो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने के बाद एक कंप्लीट द फ्लो चार्ट भी तो आ सकता है ना, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, 12 नंबर पे डाल देता हूँ इसको, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ये बोला था मैंने, फ्लो चार्ट सभी करके रखो, एक आ सकता है, ठीक है? तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट, पहले इसमें दिया है सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, पहले ब्लॉक में क्या लिया है यहाँ पे, सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, सोर्सेस क्या है यहाँ पे, सन,
ओनली सन इज द सोर्स। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे क्या डालना है आप लोग बताइए। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम स्टेम, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक अगेन ये है एम्प्टी बॉक्स, आपको कंप्लीट करना है। लास्ट वाला जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये होगा इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले। ठीक है आप लोग देख लीजिए अच्छे से, पहले तो होगा इतना। नंबर 13, नंबर 13 अभी गिव साइंटिफिक रीजन, आईएमपी क्वेश्चन में डालो गिव साइंटिफिक रीजन, गिव साइंटिफिक रीजन्स। तो साइंटिफिक रीजन्स में आप लोगों को कौन से करने हैं, पहला उसमें का फर्स्ट लिखिए आप लोग साइंटिफिक रीजन, पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल, कंट्रोल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इसका रीज़न लिखना है आप लोगों को। सेकंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग इज यूजफुल, इज यूजफुल इन फॉरेंसिक, इन फॉरेंसिक साइंस, इन फॉरेंसिक साइंस एंड पैटर्निटी टेस्टिंग, पैटर्निटी टेस्टिंग। नंबर 3, ये पूरे रीजनिंग वाले हैं, साइंटिफिक रीजनिंग आप लोगों को देना है। समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एनिमल्स टू परफॉर्म, टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद फोर्थ, इतना लिख लो पहले, लिख लिया बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लिखो बायोटेक्नोलॉजी प्लेस, प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ, इन ह्यूमन हेल्थ, लिख लिया कंप्लीट। इतना यहाँ तक के कंप्लीट हो गया सबका, चलो कंप्लीट लिख लिया ना इतना सब, सबने सबने कंप्लीट कर दिया। 5 मार्क वाली भी आईएमपी दे रहा हूँ, रुको 5 मार्क वाली भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, 5 वाली को पहले तो 5वां कर लो भाई। माइक्रोबियल, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, माइक्रोबियल एंजाइम्स, एंजाइम्स आर यूज, आर यूज इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ केमिकल, ऑफ केमिकल
कैटलिस्ट, केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री, इन केमिकल इंडस्ट्री। नंबर सिक्स, चिल्ड्रेन, ये तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, गेट एडिक्टेड, चिल्ड्रेन गेट एडिक्टेड, टू डेडली, टू डेडली सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस लाइक टोबैटो, लाइक टोबैको, टोबैको सिगारेट, सिगारेट एंड गुटखा ईटीसी। नंबर सेवन, एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑप्टेंड, ये सब साइंटिफिक रीजंस है, ऑप्टेंड बाय माइक्रोबियल प्रोसेस, माइक्रो वेट करो, माइक्रो माइक्रोबियल प्रोसेस लिखना पड़ेगा, माइक्रो बेल, माइक्रोबियल प्रोसेस, प्रोसेस आर मिक्स विथ डिटर्जेंट, आर मिक्स विथ डिटर्जेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकल्स इज नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज, नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल। नाइन, इट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टू कंजर्व एनवायरमेंट, टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। हो गया इतना, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, मेन मेन 5 मार्क्स वाले। फाइव मार्क्स आईएमपी लिखो, ज़्यादा कुछ देता नहीं मैं अभी, 5 मार्क आईएमपी दे देता हूँ, मोस्ट आईएमपी। 5 मार्क क्वेश्चंस मेक अप फर्स्ट। चलिए आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स आईएमपी दे रहा हूँ, 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन कर लो, जो भी बच्चे अभी तक के लाइव ज्वाइन नहीं किए होंगे प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी 5 मार्क्स वाले जो बम्पर क्वेश्चंस है और 3 मार्क्स वाले वो अभी आ रहे हैं। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो ये मिलेंगे अभी आईएमपी में, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स वाले आप लोग कर लो जो बता रहा हूँ। अरे भाई क्या हो गया, लिखो। पहला, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। यूजिंग डायग्राम, ठीक है, तो डायग्राम भी आप लोगों को करना पड़ेगा उसकी, ये पहला। सेकंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों मेन क्वेश्चन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन यूजिंग डायग्राम। 5 मार्क्स में फुल चांसेस है इसके आने के, ठीक है, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादा चांसेस है, तो ये करके रखो आप लोग। उसके बाद क्या आ सकता है, स्कीमेटिक दिया रहेगा आपको, स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एक आ सकता है इसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो इसकी डायग्राम आएंगी और आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफाई गिवन ऑर्गेनिज्म विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ फ्रॉग आ जाएगा, फ्रॉग, जैसे मैं यहाँ पे फ्रॉग का एक कोई छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये फ्रॉग जैसे इसका डायग्राम आएगा और आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसका पूरा क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा फ्रॉग का, ठीक है, तो फ्रॉग का क्लासिफिकेशन आप लोगों को लिखना पड़ेगा डिटेल में, यस, पूरा डिटेल में। एमसीक्यू हो गए मुजम्मल शेख ऑलरेडी, एमसीक्यू ऑलरेडी हो चुकी है, आप पहले से देख सकते हो, पहले से वीडियो देखो जिन्होंने देखा नहीं होगा, यस, फ्रॉग हो चुका है, ये देखो फ्रॉग, तो इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 5, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम, नीट लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम, ठीक है, चलो 5 हो गए। नंबर 6, व्हाट आर बायोडायवर्सिटी, डायवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड। नेक्स्ट जो है इसमें, जैसे इसमें ए दे दो, इसको बी दे दो, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ एनिमल आर क्लासिफाइड,
समझे इतना? और अगर करना है तो फिर एक्सप्लेन द टर्म्स, एक्सप्लेन टर्म्स सेरोगेसी, सरोगेसी, IVF, स्पर्म बैंक, ये तीनों भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं। आया ध्यान में इतना? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आप लोगों को पूरा करके रखना है ये, ठीक है? इसमें किसी तरीके का ये मत करो, आप लोग इग्नोर मत करो ये चीज़ें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फुल चांसेस है एग्ज़ाम में आने के। नेक्स्ट नंबर 6, जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आप लोग पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले हैं तो ये आना ज़रूरी है। नंबर 7, ड्रॉ स्कीमैटिक, स्कीमैटिक ऑफ पावर प्लांट, पावर प्लांट बेस ऑन नेचुरल गैस, बेस ऑन नेचुरल गैस, एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। आंसर्स भी देना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा गया है। फर्स्ट इसमें का, विच एनर्जी, विच एनर्जी इज जनरेटेड, विच एनर्जी इज जनरेटेड, जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट, फ्रॉम द पावर प्लांट। तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा, इसका 1 मार्क मिल जाएगा आप लोगों को। सेकंड बी, हाउ पोल्यूशन, हाउ पोल्यूशन इज रिड्यूस, हाउ पोल्यूशन इज रिड्यूस, कम कैसे कर सकते हैं इन नेचुरल गैस, इन नेचुरल गैस बेस पावर प्लांट, पावर प्लांट। सी, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इको फ्रेंडली, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेसेस, इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस, हो गया? यहाँ तक के लिख लिया सब लोगों ने? इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए क्या? जल्दी बताइए, कंप्लीटेड? चल अब देखो डिफरेंस वगैरह कौन से आ सकते हैं, ठीक है? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं? 3 मार्क्स वाले में आप लोग लिखिए, 3 मार्क क्वेश्चंस में लिखो, 3 मार्क्स क्वेश्चन में। फर्स्ट एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, टाइप ऑफ डिजास्टर, टाइप ऑफ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट भी कर लेना, ठीक है? डिजास्टर मैनेजमेंट,
डिजास्टर के टाइप्स और उसका मैनेजमेंट, इट्स मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन इस पर बनेगा। ऐसा हो सकता है कि वो आप लोगों को दे देंगे सिंबल्स या फिर एक पिक्चर दे देंगे और पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ डिजास्टर इज दिस। बायोटेक्नोलॉजी पे एक क्वेश्चन आ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी फोर्थ। जो मेन मेन है वही बता रहा हूँ मैं 3 मार्क्स में, ठीक है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादातर के सिचुएशनल बेस होते हैं, जैसे व्हाट विल यू डू वाले क्वेश्चन आते हैं, व्हाट विल यू डू इन फॉलोइंग सिचुएशंस, फॉलोइंग सिचुएशंस। अभी मैंने बोला ना आप लोगों को ये सिचुएशंस बेस होते हैं, है ना भाई, क्यों करेंगे आप, किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करेंगे। जैसे पहला बोला यहाँ पे चाइल्ड व्हाट विल यू डू, पहले इसमें दिया है चाइल्ड ऑफ योर नेबर, नेबर एडिक्टेड इज, एडिक्टेड इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग, तो आप क्या करोगे। ठीक है, सेकंड योअर ब्रदर स्टडिंग स्टडिंग इन 12th क्लास, 12th क्लास डेवलप द स्ट्रेस, डेवलप स्ट्रेस होता है ना एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस आता है, तो वो हाउ विल यू मैनेज योर सिस्टर हैज़ बिकम बिकम इनकम्युनिकेटिव, इन कम्युनिकेटिव एंड प्रेफर्स, एंड शी प्रेफर्स टू रिमेन अलोन। दीज आर द सिचुएशंस गिवन एंड वी हैव आस्क हियर हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ विल यू कंट्रोल दैट सिचुएशंस, और व्हाट विल यू सजेस्ट टू देम एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन। यस, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन्स इन योर ओन वर्ड्स। द आंसर्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स विल डिफर फ्रॉम ईच अदर, सबका आंसर तो सेम आएगा नहीं इसका, ठीक है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, उस हिसाब से ही वो पेपर चेकिंग होता है, ऐसा नहीं कि सबके पॉइंट एक जैसे होंगे। तो ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, और स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम भी आ सकते हैं, ये कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, फाइलम में कौन से पूछे जा सकते हैं, मोलुस्का, मोलुस्का, और उसके एग्जांपल देने आप लोगों को, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, चलो इतना कर लिया आप लोगों ने कंप्लीट, इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं सबके, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं अभी। और कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है तो डिस्टिंगिश लिखो आप लोग,
लिखो डिफरेंस बिटवीन, आईएमपी में लिखो डिफरेंस बिटवीन, ये आईएमपी है ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक एंड एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये मैंने ये डिफरेंस आप करके रखो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तो ये आप लोगों को करके ही जाना है, इसको मत छोड़ो, इसको अगर छोड़ दिया ना फिर तो गए आप लोग, कर लो बोलो ठीक है। और सेकंड लिखो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बीच का भी डिफरेंस आ सकता है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक आने के चांसेस है। समझा गया, इतना कर लोगे आप लोग, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन देखी भी मतलब नहीं है। डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन आप लोग कर लो यार, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक क्वेश्चन है जो करना है आप लोगों को। नेक्स्ट एक्सप्लेन एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल इविडेंसेस इन इवोल्यूशन, इन इवोल्यूशन मैक्सिमम तो कवर हो चुका अपना। और एक डिफरेंस अगर लिखना है तो थर्ड वाला आप यहाँ पे डाल सकते हो डिफरेंस, तीसरा अगर करना है तो करो ठीक है, तीन दे रहा हूँ मैं डिफरेंस, उसमें से दो कोई भी दो आ सकते हैं, एक आ सकता है। कन्वेंशनल डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी सोर्स लिख सकते हो एनर्जी सोर्सेस ठीक है। इतना हो गया कंप्लीट, देखो टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को पता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो मैंने पहले दिए थे आप लोगों को तो पहले ही करके दिए थे। और ये देखो अमाइनो एसिड्स सोर्सेस, ध्यान ध्यान में रखो सोर्सेस अमाइनो एसिड और उसके यूजेस, जैसे सुगर मोलासेस एंड साल्ट, साइट्रिक एसिड, ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड, ये टेबल कर लो। और जो क्वेश्चन कल बोले थे मैंने वो तो इम्पोर्टेंट ही थे, और आज के कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लो, और इतना अगर कर लिया तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन रहेगा नहीं ठीक है। ये बॉक्स आईएमपी है, एक्टिविटी ज़्यादा फोकस करो एक्टिविटी पे, स्केच द लेबल एंड क्लासीफाई स्केच एंड लेबल हाइड्रा, उसके बाद प्लानेरिया स्टारफिश अर्थवर्म एंड क्लासीफाई करो उसको, क्लासीफाई वी हैव टू क्लासीफाई दिस। कंप्लीट किया इतना, पेपर तो कल सॉल्व करके दिया था मैंने, और क्लास मैम लिया अच्छे से करो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईएमपी डाल दो इसको,
देखो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और डिफरेंस जो दिया था मैंने कल भी बोला था, एव्स और बर्ड, एव्स और मैमल ये के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस मेन है, डिफरेंस बिटवीन क्लास एव्स एंड मैमलिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला इसने, दोज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। मेन मेन कैरेक्टर्स देखो वार्म ब्लडेड है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड नेक एंड ट्रंक टेल, ट्रंक टेल हेड नेक, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद द नेल्स, एक्सोस्केलेटन ही मेन है, एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ द हेयर्स। एक्सोस्केलेटन किसके फॉर्म में रहेगा, हेयर्स, और वहाँ पे क्या होता है, फीदर्स के फॉर्म में होता है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल दे देना है एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट, ठीक है। तो बैट एग्जाम्पल बहुत बार आता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है एमसीक्यू में फुल चांसेस है ये क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो मैमेलिया, लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो वीडियो को जल्दी जल्दी, सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़ लाइक। जल्दी से यस, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा आईएमपी लेने के लिए तो आए हैं, ठीक है, मानता हूँ मैं। 5 मार्क्स के कौन से चैप्टर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के दिए आप लोगों के लिए, आप लोगों ने देखे नहीं क्या, आप लोग पहले से देख नहीं रहे क्या? जो बच्चे ने देखा नहीं होगा वो थोड़ा पहले से वीडियो देख लो अच्छे से एक बार, तो उन लोगों का क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये देखो यहाँ पे दिए मैंने क्वेश्चंस, ये क्लासेस फाइलम सब कर लो यार। देखो रेप्टिलिया क्लास जो है उसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट्स, जैसे कि वॉल लिजर्ड एग्जांपल दिया है, स्किन इज ड्राई एंड स्केली, स्केली होता है ये देखो, स्केल्स स्केली होता है। एग्जांपल टॉर्टोइस, लिजर्ड, स्नेक, ये आ जाएगा रेप्टिलिया में क्लास में। और एम्फीबिया अगेन इंपॉर्टेंट, एम्फीबिया क्लास, द एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वाटिक ड्यूरिंग द लार्वल लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वाटिक रेस्पिरेशन, वेयर एज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ, ठीक है। बड़े हो जाएंगे तब यहाँ पे वाटर एज वेल एज लैंड में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। मेन पॉइंट, एक्सोस्केलेटन इज अब्सेंट, स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजली केप्ट मॉइस फॉर द रेस्पिरेशन, नेक इज अब्सेंट, ये एक पॉइंट है, फ्रॉग, टोड्स, सेलामेंडर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा कर लो, ये क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है वो समझ लेना, ठीक है, जितने इम्पोर्टेंट है वही करो। क्लासिफिकेशन आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, एनिमल क्लासिफिकेशन देखो, किंगडम एनिमिलिया इज डिवाइडेड इनटू द नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, ये मेन क्लासिफिकेशन, उसके बाद फाइलम दिए है और इसके भी फाइलम, छोड़ो मत कोई भी चीज़ पढ़ते समय आप लोग तो पूरा पढ़ के जाओ। और ये बोला था मैंने थर्मल पावर प्लांट कर लो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, ये तीन तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइंस फर्स्ट का पेपर खूब छान गेला, वेरी गुड, चांगला है, सर्वांचा पेपर चांगला गेलेला आहे, सर्वांना पेपर जमला ना, अरे पेपर सर्वांना जमला का, सायन्स वनचा पेपर सर्वांना जमला,
सायन्स फनचा पेपर कसा गेला होता तुमचा? लवकर लवकर सांगा, सायन्स वनचा पेपर कसा गेला होता तुमचा? मी आता कमेंट्स रीड करत आहे तुमच्या. चाळीस पडतील. आकांक्षा शिंदे म्हणतात 40. तुझा पण, तुषारचाही छान गेला होता, चैतन्याचा पण छान गेला. रितिका देशमुख म्हणतात खूप चांगला होता. सायन्स वनच्या पेपरमध्ये तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळून जाणार. सायन्स वनच्या पेपरमध्ये किती मार्क्स मिळणार? आर्यन म्हणताय 36, मी सुमित 38, गौरी 38, व्हेरी गुड. इट वॉज इजी ए डी सिस्टर्स. 40 out of 40 प्रीती. चैतन्य हो सर. आय एम पी दिले रे बाबा आता थोडं. साई प्रसाद छान. 39 चैतन्य म्हणताय 40 out of 40. 35 चांगले आहेत, बिलकुल चांगले आहे, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. खूप छान गेला कुशल गेमिंग हब 39. अनुष्का भोयर, छाया जाधव 38 मार्क्स. हा म्हणजे मॅक्सिमम लोकांचा 35, 36, 37 गेलेला आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला सायन्स वनमध्ये छान मार्क्स मिळतात, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. पण आता सायन्स टूचा जर गोष्ट केली आपण, तर सायन्स टूचे मी तुम्हाला दोन पेपर सॉल्व करून दिलेले आहे. एक तुम्हाला 2020 पेपर दिला होता आणि एक 2022, 2020 आणि 22. हे दोन जर पेपर तुम्ही तो त्याचा फॉर्मॅट जर बघितला तर नक्कीच तुम्हाला आणखी छान मार्क्स येणार आहे. तुम्ही फक्त अभ्यास करता आणि थोडा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी करा. ठीक आहे, क्वेश्चनचा फॉर्मॅट समजा की क्वेश्चन हा कशा टाईपचा आहे, हा कसा चेंज होऊ शकतो पुढे. तर तसा जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुमचा नक्कीच जास्त मार्क्स येणार आहे सायन्स टूमध्ये. ठीक आहे, बऱ्याच मुलांना सायन्स टूची भीती वाटत आहे पण इझी असते. थोडं डायग्रामवरती जास्त लक्ष द्या तुम्ही. जर तुम्ही डायग्राम जर केला ना तर होऊन जाणार. हा तुम्ही दिलेले आय एम पी क्वेश्चनच येतील का? आले आहे याच्या आधी. ठीक आहे, सायन्स वनचे आले होते, त्याच्यानंतर मॅथ्स वन मॅथ्स टू क्लास ट्वेल्थचे पण आले होते. तर समजून घ्या, जे दिलेले आहे ते तर करण्यात आहे तुम्हाला. आधी केलेले आहे तुम्ही, चांगली गोष्ट आहे. पण आता जर केले नसेल तुम्ही तर ऑलरेडी माझे 3 व्हिडिओ आलेले आहे. ठीक आहे, 3 व्हिडिओ आलेले आहे तर ते तुम्ही पाहून घ्या. 3 व्हिडिओ दिले आहे मी तुम्हाला, म्हणजे आजचा धरला तर 3 व्हिडिओ झाले आपले. एक आधी पहिल्या दिवशी व्हिडिओ दिला होता मी, जसं सायन्स वनचा पेपर झाला तर सायन्स वनचा पेपर झाल्याबरोबरच मी तुम्हाला सोल्यूशन दिलं सायन्स वनचं. सर्वात आधी सोल्यूशन मी सायन्स वनचं दिलं, त्यानंतर लगेच इव्हनिंगला तुमच्यासाठी लाईव्ह लेक्चर घेतलं होतं. आणि त्या लाईव्ह लेक्चरमध्ये बऱ्याच मुलांचा रिस्पॉन्स चांगला होता आणि त्यांनी अभ्यास पण केला. आणि सेकंड जे लाईव्ह होतं ते काल झालं, काल संध्याकाळी लाईव्ह झालं होतं. ते लाईव्ह लेक्चर झालं, ते कम्प्लीट केलं आपण. आणि हे थर्ड लाईव्ह आहे आपलं. ठीक आहे, यामध्ये पण मी तुम्हाला मॅक्सिमम क्वेश्चन जे आहे एम सी क्यू दिलेले आहे, त्याच्यानंतर सायंटिफिक रिझनिंग, को रिलेशन्स सर्वच व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. जरूर तुमचा फायदा होणार आहे जर तुम्ही जर व्यवस्थित जर केलं सर्व, तर नक्कीच होणार. आणि क्लास 11 पण टेन्शन घ्यायची गरज नाही. क्लास 11 जे लेक्चर्स आहे आपल्या चॅनलवर अवेलेबल आहे. आणि सोबतच मी तुमचे लाईव्ह लेक्चर पण घेणार आहो. सर आज आहे का रात्री? हा मी बघतो टाईमवरती, जर झालं तर होणार. लाईव्ह जर झालं तर मी तुम्हाला नोटिफिकेशन जरूर भेटणार आहे. नोटिफिकेशन त्यांना मिळते, बऱ्याच लोकांना नोटिफिकेशन नाही मिळत. का बरं नाही मिळत? कारण की नोटिफिकेशन येत नाही याच्यामुळे की बऱ्याच लोकांनी चॅनल सबस्क्राईब नाही केलं आहे. तर प्लीज सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनल, कारण की सबस्क्राईब जर नाही केलं तर तुम्हाला नवीन लेक्चरची नोटिफिकेशन नाही भेटणार. जर कोणती इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मी टाकत आहे तर ते पण दिसणार नाही. म्हणजे कुठे ना कुठे तुमचा जो सबस्क्राईब न करण्याचं कारण आहे ते समजलं नाही मला. सबस्क्राईब करून ठेवा, मॅक्सिमम स्टुडंट्सनी सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे. 50,000 सबस्क्रायबर जर झाले तर आणखी तुम्हाला खूप काही कंटेंट नवीन येणार आहे. चला कम्प्लीट, सर्व तुमचे डाऊट्स क्लिअर झालेले आहे. तर चला अभ्यास करा आता, तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करा आणि कुठे काही प्रॉब्लेम असला तर नक्कीच कमेंट करून विचारा. ठीक आहे, आदित्य बघेले कहाँ से हो आदित्य, और आप लोग कहाँ से हो जरूर बताइए मुझे लोकेशन, मतलब आप लोगों के सिटीज प्लीज़ कमेंट करिए. ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. कमेंट योर सिटी नेम, कमेंट योर सिटी नेम, सिटी नेम. और मैं अपने इसका डाल देता हूँ, आई एम फ्रॉम वर्धा डिस्ट्रिक्ट.
चलो तो भाई जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं रीड कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स। जल्दी जल्दी बताइए कहाँ से हो आप लोग। करमनेरी, इन हिंगोली, ओके। संभाजी नगर, कोल्हापुर, आदिति पाटिल, तुषार डोंगरे पुणे, प्रीति फ्रॉम मुंबई, गेम प्रो आईटी नेरुल, नागपुर, आई एम फ्रॉम मुंबई, खार, ओके, डोंबिवली, रमा, नागपुर, उसके बाद अहमदनगर, संगमनेर, संभाजी नगर, कोल्हापुर, नागपुर, जलगांव, बीड, रत्नागिरी, साइश फ्रॉम रत्नागिरी, गौरी फ्रॉम पुणे, प्रेरणा फ्रॉम चांदूर, तुषार फ्रॉम नागपुर, सुमित फ्रॉम सातारा, न्यू MIDC, गायत्री फ्रॉम और रत्नागिरी, नहीं वेट दिख नहीं रहा, रत्नागिरी, ओके, नोबिता फ्रॉम, शुभम फ्रॉम संभाजी नगर, वैभव मुंडे फ्रॉम पुणे, सुमित फ्रॉम सातारा, अर्शद फ्रॉम अहमदनगर, ओके वेट करो, हाँ, अनीता फ्रॉम अकोला, रत्नागिरी, तुषार नागपुर, वैष्णवी उमरगा, मुड़ी जालना, गोंदिया आदित्य, ओके ठीक है चलेगा, और बाकी सिद्धि फ्रॉम करमनुरी, करमनुरी, रितिका फ्रॉम संभाजी नगर, नागेश फ्रॉम बुल्ढाणा, शुभम फ्रॉम संभाजी नगर, साई प्रसाद फ्रॉम कोल्हापुर, नोबिता फ्रॉम रत्नागिरी, साई प्रसाद कोल्हापुर, प्रीति फ्रॉम मुंबई, ओके, शिंगनापुर, प्रकाश पुणे कर, ओके, सबके पढ़ लिया मैंने। और तुम्हें कुठे असता? आई एम फ्रॉम वर्धा डिस्ट्रिक्ट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, विदर्भ, नागपुर रीजन, गोरेगाव, निम्बा, ओके, गोरेगाव, गोंदिया, शिखर सिंगनापुर, शिखर सिंगनापुर, आर्यन पटेल फ्रॉम द पुणे, अयन पटेल, जयश्री फ्रॉम धरूर, साहिल पाल कल्याणकर। चला पुढच्या लाईव्हला आपण भेटू सर्व लोक, ठीक आहे? नेक्स्ट लाईव्ह में आ जाना सभी स्टूडेंट्स ने, और उसके बाद भी अपने कंटिन्यू लाइव चालू रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करते जाओ, ठीक है? बहुत टेंशन आ रहा है अन पटेल, कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, कल का जो लाइव था मेरा वो आप लोग देखो, और उससे पहले वाले दो लाइव देख लो, हो जाता है, ठीक है? लाइव सेक्शन में जाइए आप लोग, चैनल का जो लाइव सेक्शन होता है उसमें जाना पड़ेगा, आप लोगों को वहाँ से लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।